सो हाई एवरीवन, वेलकम टू द पॉपुलर लर्निंग। आज की अपनी वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, एंड साथ साथ में हम क्वेश्चन के बाद डिस्कस भी करेंगे ताकि एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिलता जाए। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 14। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, 11 ड्यूटीज हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड विद द अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, क्या उसी समय फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अडॉप्ट कर लिया गया था? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पहले से ही नहीं आई थी, अडॉप्ट नहीं हुई थी पहले से ही। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में। ये है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से किस, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पहले से ही नहीं थी, उन्हें बाद में इंसर्ट किया गया था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इस समय जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। इस अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ड्यूटीज को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंसर्टेड लेटर इज 11th फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनिशियली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ 10 ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट थी। जब उसे अडॉप्ट किया गया था 1976 में, तब उसको इंसर्ट किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लेकिन जो उसकी 11th ड्यूटी है उसको बाद में इंसर्ट किया गया था थ्रू अनदर अमेंडमेंट एक्ट। तो वो कौन सी ड्यूटी है जिसे बाद में इंसर्ट किया गया था? तो वो ड्यूटी है अपनी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, ऑप्शन सी, इसे बाद में इंसर्ट किया गया था। तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटीज बनी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जैसा कि हमने बताया कि जो 10 ड्यूटीज थी उन्हें पहले ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, एंड जो 11th ड्यूटी है उसे बाद में इंसर्ट किया गया। तो वो 11th ड्यूटी जो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, उसे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 46। 42nd में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था जो पूरी 10 थी, एंड जो 11th नंबर की ड्यूटी थी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, जो 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया। तो उसका राइट आंसर होगा 86, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज? इनमें से कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 32 रिट पिटीशन का है, आर्टिकल 39 कुछ और है, आर्टिकल 39 जो है वो माइनॉरिटीज अफेयर्स के बारे में बात करता है। सो राइट इसका आंसर होगा आर्टिकल 51A, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है? तो उसका आंसर है पार्ट 4A, ऑप्शन सी, पार्ट 4 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो है, हाउ मेनी टाइम्स हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन अमेंडेड सो फार? अब तक जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें कितनी बार अमेंड किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा वंस, ऑप्शन सी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ले आया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड उसको सिर्फ एक बार अमेंड किया गया अभी, वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, और उसमें टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन जो 11 ड्यूटी थी उसको ऐड किया गया था, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को सिर्फ एक बार ही अब तक अमेंड किया जा चुका है। तो राइट आंसर होगा वंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, कैन दी फंडामेंटल ड्यूटीज बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ? क्या जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? मतलब अगर कोई ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है या किस तरह का वायलेशन होता है ड्यूटीज का, तो क्या हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, या कोर्ट को कोई पेनाल्टी वगैरह ला सकती है, कोई सजा मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा नो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो राइट आंसर है बी, नो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ड्यूटी का वायलेशन कर सकें, इसके लिए कोर्ट
पार्लियामेंट ने अलग से एक्ट बना के रखे हुए हैं ताकि आप अगर किसी ड्यूटी का जो मैंडेटरी एक तरह से उनका अगर वायलेशन करते तो आपको उसके लिए पनिशमेंट दी जा सके। जैसे कि नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, इसका आप अनादर नहीं कर सकते हैं, इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट का, एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसके थ्रू अगर आप लाइक हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम है एंड नेशनल सॉन्ग है इनका, नेशनल फ्लैग है इसका, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस एक्ट के थ्रू आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। बाकी अगर बात करें ओवर फंड ऑफ ड्यूटीज की तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इन्फोर्स करने के लिए, ना ही कोर्ट आपको कोई पनिशमेंट दे सकता है। बट कुछ ड्यूटीज हैं जिनके वायलेशन के लिए अलग से एक्ट बनाए गए हैं, उसके थ्रू आपको या जो भी वायलेशन करता है ड्यूटीज का उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वैसे अगर बात करें तो सारी ड्यूटीज अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, तो सभी डिफरेंट हैं। एंड दूसरा पर्सपेक्टिव है कि सारी ड्यूटीज हैं तो सब सेम है, बट एक सबसे डिफरेंट है, वो डिफरेंट है ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। क्योंकि बाकी जो तीन है इन्हें एक साथ ऐड किया गया था एट द टाइम ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, लेकिन जो ये सी नंबर की ड्यूटी है इसे बाद में ऐड किया गया था ड्यूरिंग 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसलिए ये डिफरेंट है बाकी तीन से। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच कमेटी हैड फॉर्मुलेटेड एंड रिकमेंडेड द इंसर्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी कमेटी है जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट करने के लिए रिकमेंड किया था? तो वो कमेटी है अपनी स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन ए। बाकी जो कमेटीज हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब देखो हो नहीं सकती इनमें से एक है। सो राइट आंसर है ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, और उन्होंने कमेटीज फॉर्मुलेट की थी एंड इस कमेटी ने रिकमेंड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, जो पूछता है द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है वो किस कंट्री से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है रसिया, जिससे पहले यूएसएसआर भी कहते थे, और हमारी ड्यूटीज वहां से ली गई है, रसिया से। राइट आंसर है इसका 12th का ए। एंड ये थे क्वेश्चंस रिलेटेड रिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू कैन वॉच अनदर वीडियोज जो कि हमने बनाए हैं अपने चैनल पे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द फंड ऑफ ड्यूटीज, यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन अहेड।